हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपन सीखेंगे काइन मास्टर को, मतलब पूरे काइन मास्टर को एक्सप्लेन करेंगे कि इजीली इसके अंदर आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो, और वो भी प्रोफेशनल तरीके से। और हाँ, वीडियो पूरा देखना। अगर देखते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। तो काइन मास्टर को ओपन करना है, और सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग में चले जाना है, और यहाँ पे डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनालाइज डिवाइस परफॉर्मेंस, तो इस पे आपको क्लिक करना है और थोड़ी देर वेट करना है। इससे क्या होगा कि ये आपके डिवाइस की कैपेबिलिटी को चेक करेगा, जो आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपने डिवाइस की कैपेबिलिटी को चेक कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा डिवाइस क्या क्या सपोर्ट करता है इस काइन मास्टर के अंदर। तो 4K वीडियो एडिट करके मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ मेरे इस डिवाइस में, और कितने रिजोल्यूशन की कितने लेयर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसी तरह से सेम आपके डिवाइस पे भी दिखा देगा एनालिसिस होने के बाद। उसके बाद आपको पता रहेगा कि आपको किस टाइप की वीडियो को इम्पोर्ट करना है, और कितनी लेयर्स में अपन एडिट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ये चेक नहीं करते हो और उसके बाद आप 4K वीडियो को एडिट करते हो, लेयर पे लेयर ऐड करते जाते हो, तो फिर आपको लाइनिंग वाली प्रॉब्लम, या फिर ऑटो बैक, या फिर आपका काइन मास्टर ओपन नहीं होगा, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप ये कर लेते हो एनालिसिस, तो फिर आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पहले से पता रहेगी कि मैं अगर ये ऐड करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपको अपनी डिवाइस की कैपेबिलिटी को चेक कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना रेशियो सिलेक्ट करना है। आप जिस भी टाइप की वीडियो को एडिट करना चाहते हो, लाइक आप रील्स एडिट कर रहे हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो एडिट कर रहे हो, तो आप इस साइज के साथ एडिट करोगे। अगर आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, लैंडस्केप या फिर कोई स्टोरी है, कोई सॉन्ग आपने शूट किया है, वो एडिट करना चाहते हो, तो आपको ये लैंडस्केप साइज सिलेक्ट करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। तो मैं फिलहाल यही साइज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको ये ऐसा इंटरफेस देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपल आपको इसे क्रॉस कर देना है। इसके बाद आपको एक सिंपल सा इंटरफेस काइन मास्टर का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको अपनी मीडिया को ऐड करना है, जो भी फोटो जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो, वो मटेरियल आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको मीडिया पे क्लिक करना है। जो भी वीडियो फोटो आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो, लाइक आप कोई कलर को भी ऐड करना चाहते हो तो इमेज एसेट्स में जाके आप कलर वगैरह इसकी इमेजेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसी के एसेट्स में आपको वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मीडिया पे क्लिक करके अपनी एक फ्री फायर की वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ओके एग्जाम्पल के लिए। तो देखो अपनी वीडियो क्लिप इस तरह से ऐड हो जाएगी। आप सबसे पहले एक एक चीज़ समझ लेते हैं। पहले मैं आपको स्प्लिट के बारे में बता देता हूँ, ट्रिम एंड स्प्लिट। ठीक है, अगर आपको बीच में से कट करना है तो यहाँ पे जो ट्रिम का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे, तो आप देखो बीच में से कट करना है तो स्प्लिट करोगे तो बीच में से कट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ से कट हो गई, तो अब ना तो इसे लेफ्ट से कट कर सकते हो, ना राइट से, ना स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि ये एंड पॉइंट है। ठीक है, बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लिप नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आता हूँ, तो इस पर क्लिक करके अब मैं इसको पीछे से कट कर सकता हूँ, आगे से भी कट कर सकता हूँ, और स्प्लिट भी कर सकता हूँ। तो आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जिस तरह से कट करना चाहो कट कर सकते हो। ठीक है, या फिर इससे लेफ्ट और राइट साइड से आप ड्रैग करके भी कटआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस पर क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनको भी अपन समझ लेते हैं। मिक्सर, यहाँ पे इसके वॉल्यूम को आप सेट कर सकते हो। ठीक है, कम ज़्यादा करना हो, म्यूट करना हो, ऑटो वॉल्यूम पे सेट करना हो कर सकते हो, लेफ्ट राइट एडजस्ट करना हो, साउंड को पीच एडजस्ट करना हो, आपकी वॉल्यूम को पतला करना हो या फिर मोटा करना हो, इसकी सहायता से आप कर सकते हो। इसके अंदर स्पीड, आपको स्लो मो देना है, फास्ट मोशन देना है, यहाँ से कर सकते हो। रिवर्स, आपकी वीडियो को रिवर्स बनाना है। पैन एंड जूम, इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आप जूम करोगे तो जूम हो जाएगी वीडियो, और इस इक्वल के आइकन पर आप क्लिक करोगे तो दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी वीडियो, आगे से और पीछे से। ठीक है, तो ये देखो जूम हो गई है। और अगर आप ये बराबर वाले आइकन पे क्लिक नहीं करते और पीछे से नीचे वाली क्लिप पे क्लिक करके इस तरह से जूम कर लेते हो, ओके, और बैक चले जाते हो, तो अब देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको, ये पहले फिर धीरे धीरे इस तरह से स्केल होती जाएगी। और यहाँ पे आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हो, मिररिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मिरर हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हो इजीली।
और यहाँ पे इसका फिल्टर दे सकते हो, कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्लिप ग्राफिक्स वगैरह दे सकते हो। क्लिप ग्राफिक्स में क्या होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इसके अंदर आप एनिमेशन डाल सकते हो, कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आप फ्रेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, फ्रेम वगैरह ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल लिमिटेड की रहती है, ये जो आपको नीचे नीचे दिख रही है ये आपको पहले से मिलती है। अगर आपको और एडवांस में ऐड करना है या फिर अलग क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है तो इसके स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली आपको काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे विनिट का ऑप्शन आपको पता ही, क्या कर सकते हो, और वॉल्यूम का भी है यहाँ पे, ठीक है। आपको आवाज़ को एडजस्ट करना है, इक्वलाइजर देखने को मिल जाएगा, रिवर, आप वॉइस चेंज कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो क्लिप के अंदर जो भी सॉन्ग है, जो भी ऑडियो है, उसे आप अलग कर सकते हो अपनी क्लिप से। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो अलग हो गया, और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो, ओके। और कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। अब ऑडियो की बात कर लेते हैं, ऑडियो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी फाइल के अंदर जितने भी ऑडियोज़ वगैरह होंगे, सॉन्ग होंगे, वो सारे आपको दिख जाएंगे, अलग अलग फोल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। म्यूज़िक के अंदर आपको इस काइनमास्टर के अंदर जो म्यूज़िक है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसी के स्टोर से डाउनलोड कर रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसके म्यूज़िक स्टोर में जा सकते हो। SFX को भी डाउनलोड कर सकते हो, तो मैंने इतने सारे कर रखे हैं और मैं अपनी वीडियो के अंदर इनका यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर जितने भी सॉन्ग वगैरह आप यहाँ से इजीली अपने सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो स्टार्ट पर क्लिक करके, ठीक है। अगर आप वॉइस ओवर वीडियो बनाना चाहते हो तो इस तरह से रिकॉर्ड करके कर सकते हो, ओके। अब लेयर पर आपको क्लिक करना है और इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मीडिया का ऑप्शन है, मतलब यहाँ से आपको फोटो वीडियो ऐड करना है जो भी, वो ऐड कर सकते हो, तो वो इस क्लिप के नीचे ऐड होगी, ठीक है। मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो इस लेयर को भी आप कटआउट कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करके स्प्लिट कर सकते हो, बीच में से कट कर सकते हो लेफ्ट राइट, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं इस तरह से, ये फुल स्क्रीन हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो ये हाफ हो गई, ये इस तरह से, ठीक है। आप किसी भी कॉर्नर में इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ऑफ करोगे तो ये अपने अकॉर्डिंग भी आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, ओके। आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस का ऑप्शन सभी में रहता है वैसे, ठीक है। मान लो आपको जो क्लिप नहीं चाहिए, जो फोटो नहीं चाहिए, कलर नहीं चाहिए, इस तरह से आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। एनिमेशन दे सकते हो इसको, इन ओवरऑल आउट एनिमेशन दे सकते हो, क्रॉप कर सकते हो इसको, वीडियो या फोटो क्रॉपिंग सभी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके अंदर भी रोटेट, फिल्टर, वो सारे ऑप्शन आ गए। ओपेसिटी, तो सिंपली आप इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हो, तो फुल रहेगा तो ये आपको पूरा वीडियो दिखेगा, ठीक है। कम करोगे तो इस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, जितना कम करोगे उतनी अपनी वीडियो गायब होती जाएगी। तो ये विजिबिलिटी है, जितना आप इसे दिखाना चाहो दिखा सकते हो। और यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, मान लो आपको ओवरले रखना है, मल्टीपल रखना है, स्क्रीन रखना है, सॉफ्ट लाइट, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग का, ये हर किसी क्लिप पर अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर एक कलर पे वर्क करता है, या फिर किसी को मल्टी लुक देना हो, कुछ इस तरह का इफेक्ट नया क्रिएट करना हो तो आप ब्लेंडिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। क्रोमा की का आपको पता ही है, ठीक है। और मैजिक रिमूवर का ऑप्शन है, मतलब इसके अंदर आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, बट ये काइनमास्टर के अंदर उतना अच्छे से नहीं हो पाता है जितना है कि कैपकट के अंदर हो पाता है। अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल से देखे होंगे तो मैंने बताया है, ठीक है। तो क्रोमा की के बारे में तो पिछली हर एक वीडियो में लगभग मैं बताता आ रहा हूँ, आप मेरी पिछली कोई सी भी वीडियो उठाकर देख लो, स्काई रिप्लेसमेंट वाली, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो इजीली। तो इसमें भी लगभग वही सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो लेयर्स के अंदर यहाँ पे आपको इफेक्ट का सेक्शन भी देखने को मिलता है, यहाँ से आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और इसके अंदर इफेक्ट आपको जो नहीं मिलता है स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ इफेक्ट्स को डाउनलोड कर रखा है और कुछ इफेक्ट्स इसके अंदर पहले से थे। और यहाँ पे स्टिकर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, तो ये सारे स्टिकर मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो इसके स्टोर में से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी का स्टोर यहाँ पे अलग अलग है, तो आप इजीली स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी कॉपीराइट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसकी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ओके करोगे तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। कोई लिरिक्स वगैरह आपको लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और टेक्स्ट के अंदर भी आपको वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा,
वही एनिमेशन, कलर, ओपेसिटी, रोटेट, ब्लेंडिंग, ठीक है, इसको डिजाइन करना है, शेडो देना है, ग्लो देना है, आउटलाइन देना है, सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी टेक्स्ट एडिट के अंदर, ठीक है। और कोई भी चीज डिलीट करनी तो उस पर क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पर करके डिलीट कर सकते हो, ओके। और किसी भी चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे ये पोजीशन है, इसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख जाएगा छोटा सा स्क्वायर का, इस पर आपको क्लिक करना है कैप्चर एंड सेव। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो फोटो है एज इट इज कैप्चर हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हो कैप्चर एंड एज ए क्लिप, इस पर आप क्लिक करोगे तो फोटो क्लिक होके ये इसी क्लिप के अंदर आगे एड हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कैप्चर एंड एज ए लेयर, तो फोटो कैप्चर होगा और नीचे लेयर में एड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, करके देख लेना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सिंपली फेड इन फेड आउट इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। मान लो आपका वीडियो अचानक से खत्म हो जाता है लास्ट में, तो आप इसमें फेड आउट इफेक्ट दे सकते हो, इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको सेकेंड दे देना है कितने सेकेंड बाद आपका वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे धीरे धीरे कम होना, एकदम कम नहीं होना, ठीक है। मान लो एक सेकेंड का टाइम है तो एक सेकेंड पहले से ही धीरे धीरे कम होकर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपने देखा होगा, ठीक है। और वीडियो के अंदर भी कर सकते हो, मान लो आपका वीडियो एकदम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्लैश हो रहा है, तो आप इसको फेड इन इफेक्ट दे सकते हो कि धीरे धीरे से ब्लैक स्क्रीन से धीरे धीरे आप अपनी वीडियो को फ्लैश करवा सकते हो। उसी तरह से आपका वीडियो एकदम से बंद हो जा रहा है तो आप फेड आउट इफेक्ट दे के बिल्कुल धीरे धीरे ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। तो इन इफेक्ट को आप जितना यूज करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर जितनी भी लेयर्स आपने ऐड करी है, जितने भी साउंड इफेक्ट वगैरह जो भी आपने ऐड कराए, वो सारी चीज़ें आप इस तरह से इजीली देख सकते हो। तो मैं अपनी पिछली वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा सारा साउंड डिजाइनिंग है, इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है, और यहाँ पे इस तरह से मैंने एडिटिंग के अंदर कितनी सारी लेयर्स को ऐड कर करके वीडियो को एडिट कर रखा है, आपने देखा होगा पिछली वीडियो मेरी, यहाँ पे मैं प्ले करके बताऊँ, ये आपको दिखेगा इस तरह से, ओके। तो आपको पता चल गया होगा, तो मैं अपनी वीडियो भी काइन मास्टर से ही एडिट करता हूँ कुछ इस तरह से, तो इतनी सारी लेयर्स को ऐड करके म्यूजिक वगैरह में अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ। ये जो ऑप्शन है गाइस, इससे आप इस पर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक तो मूव टू द बिगनिंग, आप शुरू में चले जाओगे वीडियो की, और एक मूव टू द एंड, इस पर क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट में चले जाओगे अपनी वीडियो की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस की एनिमेशन फ्यूचर की, ठीक है। तो ये सिर्फ लेयर पे काम करता है, आपकी जो मेन क्लिप है इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आएगा तो आप कैसे यूज़ करोगे। तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, किसी भी लेयर पे आप यूज़ कर सकते हो, लाइक आपका इफेक्ट हो गया, या फिर फोटो हो गया, वीडियो हो गया, कोई टेक्स्ट एनिमेट करना हो तो उस तरह से आप की का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेयर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको की का आइकन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपको जिस तरह से एनिमेट करवाना है एनिमेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका इमेज है, जो भी वीडियो है, उससे आप इस तरह से एनिमेट करवा लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से आप जितना आगे जाओगे, जहाँ पे आपको पॉइंट रखना है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से की का इस्तेमाल करना है, उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको जूम करूँगा तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, आप देखोगे ये की फ्रेम ऐड हो चुकी है, ठीक है। फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगा, इसको और जूम करूँगा, ठीक है, या फिर इसे इतना छोटा कर लेता हूँ तो एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगी। फिर आगे की तरफ जाऊँगा, फिर मैं उसे और जूम करके रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने की फ्रेम के द्वारा एनिमेट कर दिया है। तो अब मैं आपको शुरू से प्ले करके बताऊँगा, तो ये देखो मैंने जिस तरह से की को रखा है उसी तरह से ये एनिमेट कर रहा है। तो इस तरह से आप की का इस्तेमाल करके किसी भी लेयर, फोटो, वीडियो सभी पे इस्तेमाल कर सकते हो की एनिमेशन को। ओके गाइस, तो मैंने बोला था ना कि कितना इजी है काइनमास्टर के अंदर वीडियो एडिट करना, और अब आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप काइनमास्टर को किस तरह से यूज कर सकते हो। अब आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे काइनमास्टर को, जिस तरह की अलग अलग टाइप की वीडियो एडिटिंग आप करते जाओगे, तो आप इसके अंदर और भी प्रोफेशनल बनते जाओगे, और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगगी, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो आपको पता चल जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छी वीडियो एडिटिंग आप करते जाओगे, और उतने ही अच्छे एडिटर भी आप बन पाओगे।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी डाउट है आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो गाइज ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।